नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एजुकेशनल रिसर्च जी के चैनल पर। मैं आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आइए बात करेंगे कि ई कॉलेज स्कॉलरशिप मोबाइल से चेक होता है या नहीं। तो चलिए, बहुत सारे विद्यार्थी ने कमेंट कर रहा था कि मोबाइल से स्कॉलरशिप चेक नहीं होता है। चलिए हम देख लेते हैं कि स्कॉलरशिप मोबाइल से चेक होता है या नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल में क्रोम ओपन कर लीजिए। जैसा कि हम अपने मोबाइल में क्रोम को ओपन कर रहे हैं, जैसे क्रोम को ओपन कर रहेंगे तो इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा। तो ऊपर हम सर्च करेंगे ई कल्याण। इसी ऊपर सर्च किए ई कल्याण तो इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा। ई कल्याण सर्च करने के बाद सर्च के बटन पर हम क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस सामने खुलेगा। तो इसमें जो सबसे ऊपर में लिखा गया है ई कल्याण, हम उस पर क्लिक, या ई कल्याण का स्कॉलरशिप का सरकारी वेबसाइट है, इसी से हम क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हम अपने लॉगिन वाले ऑप्शन पर पहुंच जाएंगे। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो सामने इस तरह का इंटरफेस खुलेगा जो कि इसमें लिखा गया होम कॉलेज एंड स्टूडेंट एलिजिबली एडवर्टाइजमेंट पोस्ट मैट्रिक लिखा रहता है, और लिखा है सर्विस रिपोर्ट ग्रीवेंस फेक, और नीचे देखेंगे तो लिखा रहेगा अबाउट ई कल्याण स्कॉलरशिप यानी कि इत्यादि बहुत सारे ऐसे अपडेट जो अभी चेंज किया सरकार ने। इसे इंटरफेस खुलेगा जो कि पहले वाले साइट के अनुसार से लोगों उसका सेम उसी तरह है। तो इस पर हम सर्च करेंगे, सर्विस पे क्लिक करेंगे तो इसमें लिखा तीन ऑप्शन आएगा जो सबसे ऊपर वाले लिखा हुआ है स्टूडेंट लॉगिन, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस सामने खुलेगा। आप इसे अपना नाम से या मोबाइल नंबर से या ईमेल आईडी से आप इसे लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करते हैं। पहले हम इसे लॉगिन कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको नीचे पासपोर्ट दिखाई देगा, पासवर्ड भर लें। जहाँ पासवर्ड बनाए थे उसके बाद नीचे कैप्चा लिखा गया है, आप उसमें कैप्चा डाल दें। इसी जो कि कैप्चा दिया गया है 4838 05, इसे आप कैप्चा डाल लेते हैं। कैप्चा डालने के बाद आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा जो कि उसमें नोट्स और डिटेल पर दिया गया रहता है। तो चलिए लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करते ही इस तरह इंटरफेस सामने खुलेगा। आपके इसमें पूरा विवरण दिया गया रहता है, आपका नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और नीचे आपका दिखा रहता है प्रिंट। अब जो सप्लाई के समय प्रिंट जो निकाले थे वह प्रिंट का ऑप्शन नीचे दिया गया है, और इसमें कुछ नोट्स लिखा रहता है। यदि आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है तो आप उसमें सबसे नीचे पर जो लिखा गया है क्लिक हेयर, आप उस पर क्लिक करके आप फार्म का जांच कर सकते हैं कि आपका फार्म रिजेक्ट हुआ है या नहीं। यदि आपका मोबाइल नंबर है, यदि आपका आधार आपके अकाउंट से लिंक नहीं हुआ है इसमें, तो आप ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका आधार से लिंक डिटेल पर बता दिया जाएगा। यदि आप आधार से लिंक क्लिक हेयर लिखा गया है आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका बता दिया जाएगा आपके अकाउंट में आधार लिंक है या नहीं। यदि आप आधार अकाउंट पर लिंक मोबाइल नंबर जाँच नहीं कर सकते हैं, आप हमें कमेंट करें, आपको बता दिया जाएगा कि आधार आपके अकाउंट में लिंक है या नहीं, कैसे जाँच करते हैं, पूरा डिटेल बता दिया जाएगा। तो चलते हैं इसमें। तो हम यहाँ बात करते हैं कि आप अपने मोबाइल से स्टेटस चेक कर सकते हैं या नहीं। तो इसमें जो स्टेटस का ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है, आप यदि मोबाइल से चेक करते हैं तो इसमें स्टेटस दिखाई नहीं देगा आपको। आप इसलिए आप लैपटॉप या किसी पीसी से आप इसे चेक कर सकते हैं, अगर पूरा पूरा डिटेल दिखा दिया जाएगा। आप यदि मोबाइल से चेक करते हैं आपको स्टेटस शो नहीं होगा। अब हम इसमें अभी ई कल्याण के ऑफिशियल वेबसाइट पर हमने अभी ईमेल किए थे, अभी कोई नोटिस जारी नहीं किया है, तो इसमें जब से नोटिस जारी नहीं होगा तो शो नहीं होगा। यदि आप स्कॉलरशिप चेक करने से हमेशा परेशान रहते हैं तो आप घबराइए नहीं, कुछ दिन का आप इंतज़ार कीजिए, आपका बहुत जल्द सरकार इस पर नोटिस जारी कर दिया जाएगा और आप मोबाइल से स्कॉलरशिप चेक कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में आपको इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जैसे आपको नोटिस जारी कर दिया जाएगा आपको नेक्स्ट वीडियो बनाकर
आपको सबसे पहले बता दिया जाएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक कमेंट शेयर करना अवश्य मत